हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज की डेट से हम एबीएम बी एफ एम ए बी एफ एम बी एल क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं सो so, आप सभी कैंडिडेट्स जो भी यहां पर इस सेशन को यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं काइंडली डू एनरोल इन टू द कोर्स ओवर देयर फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी सेशंस को गो थ्रू कर पाए तो यहां पर थर्ड ऑफ जून से लेकर के 9 जून तक हम एबीएम के सेशन एंड साथ के साथ 10 जून तक तीन से 10 जून तक हम बीएफएम के सेशंस भी कवर करेंगे एंड साथ के साथ 11th जून से लेकर के 17th जून तक एबीएफएम के सेशंस देन फर्दर फ्रॉम 18th टू 23rd ऑफ जून वी विल बी कवरिंग द बीआरबीएल सेशंस अब इन सेशंस में हम पर्टिकुलरली सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं फटाफट फट से ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि आ, मैं यहाँ पर लेक्चर को आगे स्टार्ट कर पाऊं एंड अगर कोई भी तरह का इश्यू आपके पास रहता है तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड इसी तरह से अगर आप यहां पर गो थ्रू कर रहे हैं सेशन को क्लास प्लस के थ्रू तो भी आप यहां पर फटाफट से अपने आप जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है उसको चैट बॉक्स में लिख करके कंफर्म कर दीजिए इफ द ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज वर्किंग फाइन। काइंडली प्लीज कंफर्म द सेम सो दैट वी कैन इनिशिएट द सेशन ऑफ हि सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी ओवर हेयर इज वर्किंग फाइन सो आई वॉन्ट कि आप इस चैनल को फटाफट फड़ से सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब के ऊपर अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू कर रहे हैं वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ कलीग्स के साथ ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लेक्चर को देख पाए एंड डेफिनेटली क्वालिटी को जज कर पाए ओके सो लेट स्टार्ट द सेशन ओवर तो फटाफट से यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं अब देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल क्या होता है बेसिक हम चीजों से पढ़ेंगे एंड आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बताने वाला हूं ओके तो टॉपिक है हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी भी हम कवर करेंगे तो काइंडली प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से जरूर गो थ्रू करना है इस टॉपिक को अच्छे से जरूर गो थ्रू करेंगे तो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं राइट तो यहां पर एक चीज सिंपल सी चीज है उसको समझते हैं यहां पर फटाफट फड़ से कि लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में कि लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में हमारे पास यहां पर एक है इंपोर्टर एक है इंपोर्टर जो कि सामान को मंगवाना चाहता है और एक होता है हमारे पास एक्सपोर्टर जो कि सामान को बेचना चाहता है अब यहां पर क्योंकि हम ये कहते हैं कि इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर दोनों ही क्या है फॉरन कंट्रीज में दोनों ही इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर दोनों यहां पर सॉरी नॉट इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों ही एक्सपोर्टर जो है वो यहां पर फॉरन कंट्री में लेट सकते यूएसए में एंड ये यहां पर इंडिया में है ये यह पर्सन यहां पर इंडिया में ओके अब इन्होंने आपस में सामान का लेन है अब एक्सपोर्टर को यहां पर यह चीज का डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुड्स बेच दू लेकिन मेरा गुड्स यहां पर भेज दू लेकिन मुझे मेरे पैसे ना मिले एंड इंपोर्टर को यह डर रहता है कि ऐसा ना हो कि कहीं पर मैं पैसे दे दू एंड मुझे इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स मिल जाए या फिर गुड्स मिले ही ना ठीक है तो दोनों के केस में यह डर रहता ही रहता है ठीक है तो यहां पर इसी चीज को खत्म करने के लिए ले लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया जाता है तो यहां पर इनके बीच में एक सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि हम इतनी क्वांटिटी परचेज करेंगे इतना सामान दिया जाएगा कितने में दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा वो सब चीजें यहां पर इस मेन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल रहती हैं वो सब चीजें जो है वो यहां पर इस मेन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल रहती हैं दैट इज द फर्स्ट थिंग ओवर हियर ओके एंड यहां पर जो एक्सपोर्टर है वो यहां पर कहता है इंपोर्टर को कहता है किसी रेप्यूटेटेड बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाओ सो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहां पर हमारे पास एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट है क्या है एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जहां पर सभी की सहमति रहती है एंड क्योंकि सब कुछ सही रहेगा एंड लेटर रहेगा तो बैंक यहां पर पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को ठीक है सो कंफर्मेशन रिलेटेड इट ओके एंड फर्दर यहां पर इंपोर्टर जो कि यहाँ पर पर्सन ए है लेट्स से द केस वो यहां पर बैंक के पास जाता है लेट्स से द केस यहां पर बैंक के पास गया विच इज पर्टिकुलरली देयर ुलर दशुअन बैंक ऑफर ईशियन बैंक पर्टिकुलर क्या होता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या करेगा इशू करेगा जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा दैट इज द इशुअन बैंक ओवर दियर वो पर्टिकुलर बैंक जो होगा दैट विल बी दूंगर राइट एंड ईशियन बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या करता है ओपन करता है इसी वजह से इसको हम ओपनिंग बैंक भी कहते हैं opening bank ओवर here। अब बैंक जो है वो यहां पर इंपोर्टर की क्रेडिट वर्धनेस को इसका क्रेडिट क्रेडिट करेगा को चेक करेगा एंड उसके बेस पर ये लेटर ऑफ क्रेडिट को मेन कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर ओपन कर देगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर थी टर्म्स एंड कंडीशन को यहां पर ये ध्यान में रखेगा एंड लेटर ऑफ क्रेडिट को यहां पर ओपन कर देगा एक बार जब लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हो जाएगी तो इश्यूइंग बैंक जो है इस लेटर ऑफ क्रेडिट को पहुंचाना चाहता है एक्सपोर्टर के पास लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट नहीं भेजेगा ये यहां पर इसका जो यहां पर काउंटर पार्टी है यहां पर बैंक की जो काउंटर पार्टी है उसके थ्रू यहां पर ये लेटर ऑफ क्रेडिट पहुंचाएगा किसके पास एक्सपोर्टर के पास तो यहां पर हमारे पास आता है बैंक 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 जिसको हम यहां यहां पर पर एडवाइजिंग एडवाइजिंग कहते हैं जो यहाँ पर रहेगा रहेगा एंड ये एडवाइजिंग बैंक जो है वही यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर आगे पहुंचाता है एक्सपोर्टर के पास जो यहां पर एडवाइजिंग बैंक है वो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज करेगा किसको एक्सपोर्टर के पास यहां पर एडवाइज करेगा

एडवाइजिंग बैंक यहां पर ऑथेंटिसिटी चेक करता है लेटर ऑफ क्रेडिट की कि क्या लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्कुल सही है भी या नहीं है क्या उसमें जो भी चीजें होनी चाहिए थी एंड फर्दर उसका सोर्स बिल्कुल सही है ओरिजिन बिल्कुल सही है इस चीज को यहाँ पर प्रॉपरली चेक कौन करेगा एडवाइजिंग बैंक यहां पर चेक करेगा एंड फर्दर इसको लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज कर देगा फर्दर बेनिफिशरी के पास अब बेनिफिशरी के पास जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट आएगी तो बेनिफिशरी लेटर ऑफ क्रेडिट को अच्छे से गो थ्रू करेगा ये चेक करेगा कि क्या ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट से मेल खाती भी है नहीं खाती है एंड सभी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल यहां पर की गई है नहीं की गई है सभी चीजों को गोथरू करने के बाद जो बेनिफिशरी है वो यहाँ पर शिपमेंट कर देगा गुड्स की यहां पर गुड्स की शिपमेंट कर देगा यानी कि गुड्स को भेज देगा गुड्स को भेज देगा अब इसके पास यहां पर बिल ऑफ लेडिंग जो कि हमारे पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ठीक है नेगोशिएबल एक डॉक्यूमेंट है

तो पर्सन ए बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा एंड पर्सन बी उसे करेगा ठीक है एंड ये पर्टिकुलर बिल वापस से ए के पास आ जाएगा ठीक है so के में, तो दो तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, एक मेरे, होती है, एक, मेरे होती है further, एक मेरे पास होती है जहां पर मैं यहां पर कैश देता हूं कि जिसको हम क्या कहते हैं साइट एलसी कहते हैं तो मेरे पास एक एलसी होती है साइट एलसी एक होती है यूसेन एलसी एक होती है साइट एलसी एंड दूसरी होती है यूसेन एलसी साइट एलसी का मतलब होता है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे साथ के साथ जो नेगोशिएटिंग बैंक है नेगोशिएटिंग बैंक पर्टिकुलरली वो बैंक होता है जिसके पास डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा एंड वो सेम एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है एडवाइजिंग बैंक भी नेगोशिएटिंग बैंक हो सकता है अगर वो चीज कही गई ऑलरेडी लेटर ऑफ क्रेडिट में ठीक है अदरवाइज नेगोशिएटिंग बैंक अलग से भी कोई बैंक हो सकता है ठीक है सो लेट्स से केस कि यहां पर अलग से कोई बैंक है there, ये नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा नेगोशिएट करेगा तो बेनिफिशियरी जो है वो यहां पर बिल को ड्रॉ करेगा एंड ये बिल जो है नेगोशिएबल यहां नेगोशिएटिंग बैंक के पास आएगा नेगोशिएटिंग बैंक यहां पर इस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा लेट्स से केस कि ये साइड बिल है Case, यहां पर एलसी की करें। कि जैसे ही बिल दिया जाएगा साथ साथ जब भी डिमांड की जाएगी ये डॉक्यूमेंट्स साथ साथ तो को साथ इसको दे देगा। जो सारे, सारे डॉक्यूमेंट्स है इंश्योरेंस इन्वॉयस बिल ऑफ लेडिंग एक्सेट्रा ये सभी यह डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नेगोशिएटिंग बैंक के पास आ जाएंगे अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से थ्रू करेगा उनको स्क्रूटिनाइज करेगा एंड फर्दर यहां पर

डवाइंग बैंक के थ्रूट न लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी जो है यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट सही है या नहीं है या फिर उसका ओरिजिन सही है या नहीं है उस चीज को यहाँ पर चेक करेगा तो एडवाइजिंग बैंक यहाँ पर ऑथेंटिसिटी तो को चेक करता है एंड फर्दर ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज कर देगा टू देनिशियरी ओवर है अब बेनिफिशरी यहाँ पर देखा कि लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्कुल सही है या नहीं है एंड फर्दर अगर बिल्कुल सही पाई जाती है तो यहाँ पर वो क्या कर देगा शिपमेंट ऑफ गुड्स कर देगा एंड उसके पास जो भी नेगोशियेबल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे अब यहां पर उसके बाद जो बेनिफिशियर है इन डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करेगा किसके साथ यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक के साथ नेगोशिएट करेगा दैट इज अ सिक्स्थ स्टेप ओवर हियर एंड फर्दर एक्सेप्टेंस के बाद ये जो बिल है ये इसको इसको बेनिफिशियरी को वापस मिल जाएगा एंड ये इसको डॉक्यूमेंट्स दे देगा एंड डॉक्यूमेंट्स को देने के साथ ही यहां पर जो पेमेंट है वो बेनिफिशियरी को मिल जाएगी अगर मैं साइट एलसी की बात कर रहा हूं एंड यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं इस पॉइंट्स के ऊपर एट पॉइंट के ऊपर नेगोशिएटिंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट आ चुके हैं नेगोशिएटिंग बैंक को फाइव बैंकिंग डेज का टाइम मिलता है कितना टाइम मिलता है

जो एडवाइशियन बैंक है वो यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक के जो नोस्त्रो अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देता है पैसे क्रेडिट कर देता है एंड वो पैसे नेगोशिएटिंग बैंक को यहां पर मिल जाते हैं सो दैट द द होल होल प्रोसेस प्रोसेस ऑफ 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 लेटर लेटर क्रेडिट क्रेडिट ओवर ओवर हियर हियर इज सो काइंडली फटाफट से यहां पर ये और नो लिख दीजिए यस एल सी या नो एल सी लिख दीजिए अगर आपको ये प्रोसेस जो है वो यहां पर समझ में आ गया है यस yes, एलसी या नो एलसी लिख दीजिए अगर आपको यहां पर ये प्रोसेस समझ में आ गया है Because it's quite interesting, बहुत इंटरेस्टिंग interesting से पर एंड डेफिनेटली इनको समझना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी भी है तो बहुत ज्यादा आसान सा चैप्टर है आप बिल्कुल भी ये कोशिश मत समझिए या डिफिकल्ट में डिफिकल्ट है बहुत आसान चैप्टर है यहाँ पर बिल ऑफ लेडिंग से रिलेटेड प्रॉपर टॉपिक इसमें कवर होगा सो डोंट वरी अबाउट इट बिल ऑफ फ्लेडिंग से रिलेटेड प्रॉपर टॉपिक हम कवर करेंगे सो डोंट वरी अबाउट इट ओके इवन उसकी टाइप्स भी हमने कवर करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है राइट अभी हम आगे बढ़ते हैं यहां पर इसकी जो प्रेजेंटेशन है डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में देखते हैं डिफरेंट पार्टीज के बारे में देखते हैं तो यहां पर एप्लीकेंट कौन होता है हु इज एप्लीकेंट हुट हु ओपन द लेटर ऑफ क्रेडिट ओवर जो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करेगा डैड विल बी द विल बी द एप्लीकेंट ओवर वो एप्लीकेंट होता है बेनिफिशरी कौन होता है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट देनी है वो बेनिफिशरी है ओपनिंग बैंक होता है जो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करेगा जो कि बायर्स बैंक है यानी कि इंपोर्टर का जो बैंक है वो ओपनिंग बैंक है जिसको हम इशुन बैंक भी कहते हैं

स रिलेटेड टू देशन ओवर अब यहां पर कई बार क्या होता है कि यहां पर ये जो बैंक है ना, इशिंग बैंक है, इसकी अच्छी नहीं है कोई लोकल बैंक की भी मुझे यहाँ पर गारंटी चाहिए कोई लोकल बैंक की भी गारंटी चाहिए तो यहां पर एक और बैंक एड हो सकता है जिसको तो जो कन्फर्मिंग बैंक होता है जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर यहां पर स्टेप नंबर थ्री को समझिए जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट यहां पर एडवाइस करने के लिए बैंक ने भेजी यहां पर एडवाइजिंग बैंक के पास भेजी तो यहां पर अगर कंफर्मिंग बैंक के लिए भी कहा गया है तो उसके एडवाइजिंग बैंक ऑथेंटिकेशन को चेक करने के बाद इस लेटर ऑफ क्रेडिट को भेज देगा किसके पास कंफर्मिंग बैंक के पास भेज देगा इसको मैं थ्री ए नंबर देता हूं थ्री ए नंबर देता हूं ओके एंड कंफर्मिंग बैंक जो है वो अपनी खुद की कंफर्मेशन बीच में ऐड करेगा कंफर्मेशन का मतलब है अपनी खुद की गारंटी बीच में ऐड करेगा ठीक है एंड फॉर द गारंटी बीच में ऐड करने के बाद वो लेटर ऑफ क्रेडिट को यहां पर दे देगा किसको एडवाइजिंग बैंक को दे देगा डेट इज थ्री बी ओवर आफ्टर कन्फर्मेशन एंड उसके बाद फर्दर सेम स्टेप चलते रहेंगे इज थिंग रिलेटेड टू कन्फर्मिंग बैंक ओके एंड फर्दर इसी तरह से एक री इंबर्सिंग बैंक भी होता है री इम्बर्सिंग बैंक भी होता है री इम्बर्सिंग बैंक यानी कि जहां पर एशियन बैंक खुद री इंबर्समेंट नहीं करेगा वो यहां पर बीच में कोई और बैंक को अलाव कर देता है

एंड फर्दर जो बेनिफिशरी है जो बेनिफिशरी है इसके पास यहां पर प्रेजेंटेशन करने के लिए जब इसने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है किसके पास? Negotiating Bank के पास पास के को करना है, इसके फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट पीरियड मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट दिस कुड बी ऑन और बिफोर द एलसी तो हो सकता है कि एलसी की डेट भी बताई गई हो

तो ये हो गया हमारे पास कंफर्मिंग बैंक एंड 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 नेगोशिएटिंग बैंक बैंक के अलावा फॉर द की बात करें तो ऑपरेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है तो ऑपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी अभी फटाफट फड़ से हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एल के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज अ रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूं मैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो यहां पर बना रखा था तामझाम उसको रब कर देता हूं ताकि आपको ये टेक्स्ट जो है वो यहां पर विजिबल हो जाए

ये यहां पर बेनिफिशरी एक्सपोर्टर को प्री शिपमेंट क्रेडिट दे सकता है क्या दे सकता है प्री शिपमेंट क्रेडिट दे सकता है प्री शिपमेंट का मतलब होता है कि शिपमेंट जब तक नहीं होती उस टाइम पर पर जो पैसा यहां पर चाहिए एक्सपोर्टर को चाहिए उसको प्री शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं ठीक है ठीके? तो यहां पर ओपनिंग बैंक ने रेड इंक में यहां पर एक क्लोज लिखा है कि जो एडवाइजिंग बैंक है वो यहां पर बेनिफिशरी को एक प्री शिपमेंट क्रेडिट दे सकता है जो कि अनसिक्योर्ड होगा क्योंकि उस टाइम तक कोई भी चीज यहां पर अवेलेबल नहीं है कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है तो अगर एडवाइजिंग बैंक ऐसा कोई डिसीजन लेता है कि वो क्रेडिट देना चाहता है को ये कोई नहीं होगी एडवाइजिंग बैंक के ऊपर क्रेडिट देना देना ही ठीक है इट्स जस्ट अ नोट इट्स जस्ट अ नोट क्योंकि यहां पर अनसिक्योर्ड लोन देने की बात की गई है इसीलिए इसको रेड इंक में लिखा जाता है दैट इज वाई इट इज सेट टू बी द रेड क्लोज एलसी ओवर इसीलिए इसको रेड क्लोज एलसी कहा जाता है इसलिए इसको रेड क्लोज एलसी कहा जाता है राइट एंड फर्दर

रेड क्लोज एलसी के केस में अनसिक्योर्ड लोन देने की बात की जाती है प्रीशिपमेंट क्रेडिट देने की बात की जाती है टू द एडवाइजिंग बैंक को कहा जाता है कि अगर आप चाहते हो, तो लोन दे दो क्योंकि तो उसको रेड इंक के साथ लिखते हैं okay? okay? क्लियर हो गई होगी बैक टू बैक एलसी का मतलब है, एक एलसी के बदले दूसरी एलसी ओपन कर देंगे बैक टू बैक एलसी का मतलब होता है कि यहां पर दो इरिवोकेबल एलसी रहती हैं यानी कि बेनिफिशियरी के पास यहां पर एलसी आई बेनिफिशिय के पास एलसी यहां पर आई एंड फर्दर एंड फर्दर ये हो गया आपके पास इनवर्ड एलसी ये हो गई आपके पास इनवर्ड एलसी एंड एलसीड अपने बैंक के पास इस एलसी को ले गया एंड फर्दर इस एलसी के सिक्योरिटी के बेस पर इस एलसी के सिक्योरिटी के बेस के ऊपर यहां पर एक आउटवर्ड एलसी यहां पर जमा कर दी आउटवर्ड एलसी ओपन कर दी गई हो सकता है कि यहां पर बेनिफिशियरी ने कहीं और से सामान लेना हो तो यहां पर बेनिफिशियरी जो है एक एलसी किसी थर्ड पार्टी के नेम में जमा यहां पर ओपन होगी

या जैसे यूएसए है वहां पर बैंक गारंटी अलाउड नहीं है ठीक है तो स्टैंड बाय एलसी तब तक काम नहीं करेगी जब तक इसको इन्वॉल्व नहीं रहता जैसे गारंटी तब तक काम नहीं करती ना तो इसको इन्वॉल्व नहीं करते उसी तरह से स्टैंड बाय एलसी जो होती है वो तब तक काम नहीं करती जब तक उसको इन्वॉल्व नहीं करते सो पर्टिकुलरली पेमेंट को परफॉर्मेंस की गारंटी के लिए यहाँ पर एसपीएलसी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है देन इट इज अ रिवॉल्विंग एल कई बार क्या होता है कई इंपोर्टर्स को एक्सपोर्टर को ना यहाँ पर एक लिमिट बना के दे दी जाती है क्योंकि नहीं तो हर बार हर एक ट्रांजेक्शन के लिए बार बार ओपन होता है ठीक है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इंपोर्टर है

देखिए ट्रांसफर ट्रांसफरबल एलसी के पास को ये होता है कि का जो है, वो उसी बेस पर उसी एलसी का अमाउंट आगे भेज सकता है उसी एलसी का अमाउंट आगे भेज सकता है लेकिन बैक टू बैक एलसी के बैंक होता है उसी एलसी में अमाउंट नहीं भेजता उसी एलसी में भेजता वो उस एलसी को एज ए सिक्योरिटी रखते हुए वो इस एलसी को एज अ सिक्योरिटी को ओपन करता है ठीक है तो बैक टू बैक एलसी के केस में दो इनवर्ड एलसी एंड एक, एक जबकि ट्रांसफरेबल एलसी के सिर्फ एक ही एलसी रहती है लेकिन किया जा सकता है एंड वो एक ही बार अमाउंट आगे ट्रांसफर किया जा सकता है आई कि आपको यहां पर यह हो गए होंगे ओके okay? तो जल्दी से यहां पर स्माइली बना दीजिए डाउट्स क्लियर होते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है आपके डाउट्स क्लियर होंगे

आपको पैसा कुछ टाइम बाद मिलेगा। कई बार कि जो पैसा को मिलना होता है ना, वो साथ के साथ के नहीं देना था बेनिफिशियरी को पैसा साथ के साथ के ड्रॉ किया जाएगा एंड नेगोशिएटिंग बैंक यहां पर तीन महीने के बाद जब वापस से यहां पर बेनिफिशरी पर उसके बाद इसको पेमेंट करेगा दूसरा की जो एलसी होती है उसको हम क्या कहते हैं यानी कि सिर्फ और सिर्फ ज के के ने बेनफिशरीट कर लिया एंड बार ना आप यहां पर कैपिटल बाहर से कैपिटल गुड मंगवाते हैं एंड फॉर्द उसके लिए पर्टिकुलर क्या होता है कि आपको लंबे टाइम के लिए लोन चाहिए होता है लंबे टाइम के लिए लोन चाहिए वहां पर डेफर्ड यानी एकदम से पेमेंट नहीं आएगी पेमेंट तो बाद में आएगी लेकिन डेफेट पेमेंट क्रेडिट के केस में आपको बिल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, है तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज आपकी जो होती है, ये होती है, वो यहां पर आपके नहीं है तो डिफरेंस नहीं है, जिसको सकता है तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट ओवर देर आई होप आपको यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेटर ऑफ क्रेडिट थी वो टाइप्स यहां पर क्लियर हो गई है ओके okay? फर्दर लेट्स मूव इट्स टूवर्ड द अप्रेजल ऑफ द एल सी लिमिट अब एल सी लिमिट की कैसे अप्रेजल करेंगे उसके बारे में देखते हैं फर्म एक है एक्सपायड एंड इसने जो टोटल अमाउंट यहाँ पर पूरे साल में इसने बाहर से मंगवाना है लेट सो है यहाँ पर ट्वेंटी फोर करोड़ का इसने बाहर से टोटल सामान मंगवाना है ओके okay? एंड एक हमारे पास होती है लिमिट होती है डेट इज अकोमिक्वानिटी डेट इज ईओ क्यू क्या होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ऐसा तो है नहीं है कि आपने अगली गली से समान लेकर तो आप ऐसा तो नहीं होगी दस हजार का बीस हजार का सामान मंगवा लो ऐसा तो नहीं होगा आप कम से कम इतनी क्वांटिटी का सामान मंगवाओगे तो आपको वो वो में पड़ेगा तो आपको वो सेटिंग बैठेगी अदरवाइज आपको सेटिंग नहीं बैठेगी ओके तो यहां पर उसे क्या कहते हैं सेट सेट टू टू इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी क्वांटिटी ओवर इकनोमिक्वानिटी तो यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स द केस यहां पर वो है दो करोड़ की है कि कम से कम दो करोड़ का सामान मंगवाओगे तो आपको यहां पर वो चीज जो है वो सही बैठेगी सही रेट पर पड़ेगी ओके

यानी कि ट्वेल्व मंथ होते हैं ना तो बारह महीने डिवाइडेड okay? तो कम से कम एक एलसी जो है वो तो हर महीने ओपन होगी ही होगी ओके एंड लेट्स से कम एक एलसी तो okay? केस में जो यूसेन्स पीरियड है वो तीन महीने का एंड फर्दर जो ट्रांजिट पीरियड है वो यहां पर थर्टी डेज का दिया गया जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है वो थर्टी डेज का यहां पर दिया गया तो टोटल पीरियड जिसके लिए एक एलसी आउटस्टैंडिंग रहेगी वो रहेगा टोटल पीरियड फोर मंथ्स का यानी कि एक एलसी जो है वो कम से कम आपकी चार महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहने वाली है ओके तो के अब यहां पर हैं कि टोटल हमारे कितनी ओपन अगर यहां पर मेरे पास कितनी लेटर ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रहेगी कितनी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है कि कि वो यहां पर आउटस्टैंडिंग रहेगी उसके बारे में देख सकते हैं ओके तो इस एग्जाम्पल को हम यहां पर दोबारा से समझते हैं एंड उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी ओके तो यहां पर देखिएगा कि आपके पास लीड टाइम जो है लीड टाइम जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कराने का जो टाइम है वो आपके पास सिक्स मंथ का दिया गया यानी कि टोटल आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सात महीने ओपन रहेगी एक लेटर ऑफ क्रेडिट सात महीने कम से कम ओपन रहेगी

वो यहां पर हमने कितना निकाला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से वन करोड़ की मिनिमम एलसी रहेगी यानी कि टोटल लिमिट जो सेंक्शन की जानी चाहिए चाहिए वो कितनी सेंक्शन की जानी फोर करोड़ की लिमिट जो है वो यहां पर सेंक्शन की जानी चाहिए ओके सो दैट इज केस रिलेटेड आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो मेन फंडा क्या रहता है कि हम ये चीज देखते हैं कि हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ओपन रहने वाली है एक एलसी कितनी ओपन रहने वाली है वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया फर्दर उसके बाद हमने ये देखा कि एक साल में आपकी कंजम्पशन कितनी है डिवाइडेड बाय ईओक्यू

ज अ केस रिलेटेड टू दिस आई होप क्या यहाँ पर यह चीज क्लियर हो जाएगी फर्दर इस रिलेटेड टू क्या क्या लाइबिलिटी रहती है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? रहती है राइट कहते हैं पार्टी के उसके बारे में फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं एप्लीकेट के केस में यहां पर क्या जिम्मेदे रहती है एप्लीकेंट के केस में यहां पर जिम्मेदे रहती, रहती है कि उसकी जिम्मेदारी है उसने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कराना है जो भी यहां पर डॉक्यूमेंटेशन उसको कंप्लीट कराना है एंड फर्दर एप्लीकेफाई करता है किसको बैंक को इंडेमिफाई करेगा

अगर यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट के बीच में कोई अमेंडमेंट्स की जाती है तो इश्यू बैंक की जिम्मेदारी रहेगी कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट की अमेंडमेंट्स को आगे पहले बताया जाए उसके बेस पर ही लेटर ऑफ क्रेडिट को आगे अप्रूव किया जाए ओके एंड फर्दर ये रिस्पॉसिबिलिटी भी ईश्यूअन बैंक की रहेगी कि उसने यहां पर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से एक्सिक्यूट करना है एंड रीजनेबल केयर के साथ डॉक्यूमेंट्स को यहां पर उसने स्क्रूटिनाइज करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में यहां पर हे फिर थी वो बिल्कुल सही है कि नहीं है कोई भी दिक्कत हो नहीं है एंड फर्दर यहां पर बैंक के पास जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं हमने पढ़ा था ना कि एडवाइजिंग बैंक के थ्रू यहाँ पर बैंक के पास डॉक्यूमेंट आते हैं एंड बैंक के पास यहां पर फाइव बैंकिंग डेज का टाइम मिलता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने के लिए अभी पर उसमें पर दो चीजें हैं यहाँ तो बैंक जो है इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेगा अगर वो इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके केस में वो यहाँ पर प्रेजेंटर, प्रेजेंटर को एक नोटिस देगा कि उसने डॉक्यूमेंट्स को रिफ्यूज करना है ठीक है तो वो भी चीज यहाँ पर अलाउ की गई है एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू वेवर ऑफ डिस्क्रिपेंसी अगर यहाँ पर बैंक डिसाइड करता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पर दिक्कत भी थी लेकिन वो यहां पर डिस्क्रिपेंसी का वेवर लेने के लिए एप्लीकेंट के पास भेज देता है ये यहां पर ईशन बैंक की अपनी खुद की जिम्मेदारी होगी एंड फॉर दैट वुड बी रिलेटेड ये यहाँ पर बैंक की खुद की अपनी जजमेंट होगी एंड जो भी डिस्क्रेंसीज हैं उसे यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा ईशुअ बैंक को उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द नेगोशिएटिंग बैंक को यहां पर सही करवाना पड़ेगा एंड इट्स रिलेटेड टू एडवाइजिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक के देखिए ऐसा जो, जो जिम्मेदारी दैट इज रिलेटेड टू चेकिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट कि क्या जो लेटर ऑफ क्रेडिट है क्या वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है उस चीज के रिलेटेड जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक की जिम्मेदारी है

ऐसा नहीं होगी एंड फर्दर अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट को आगे एडवाइस करेगा उस पर्टिकुलर केस के अंदर उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो लेटर ऑफ क्रेडिट को आगे आगे एडवाइस करेगा लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट को सिर्फ एडवाइस करने से उसके ऊपर कोई यहां पर ये नहीं बन जाता कि उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी वो सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं एंड आगे प्रेजेंट करते हैं द कंफर्मिंग नहीं फर्मिंग बैंक अलग से अपनी अंडरटेकिंग देता है कि अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन होगी तो उसके केस में वो पेमेंट देगा किसको नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट देगा या बैंक को पेमेंट देगा वो चीज की अंडरटेकिंग लेता है एंड फर्दर अगर वो अपनी कंफर्मेशन के साथ अग्री नहीं करता लेट्स से केस की कन्फर्मिंग बैंक का नाम ऐड किया गया लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं देना चाहता तो उसके केस में सिंपली ईशियन बैंक को यह कह दे कि मैं कंफर्मेशन अपनी एड नहीं करना चाहता दैट इज अ थिंग रिलेटेड तो यहां पर अलग चीज को कहने की जरूरत नहीं है नेगोशिएटिंग बैंक जो होगा वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करेगा यानी कि वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जांचेगा परखेगा उसके लिए उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए फाइव बैंकिंग डेज का टाइम मिलेगा एंड वो अपना डिसीजन लेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करना चाहता है या नहीं करना चाहता एंड डॉक्यूमेंट्स फेस पर लिखा कि उसको दिख रहे हैं एंड उसके बेस पर वो नेगोशिएट करना चाहता तो करेगा नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा एंड फर्दर जब वो डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट कर देता है उसके केस में वो डॉक्यूमेंट्स को आगे भेज देगा एंड फर्दर उसने डॉक्यूमेंट्स को आगे भेज करके अप्रूव करवाना होता है एंड फर्दर अप्रूवल के बाद उसको पेमेंट आने वाली है एंड फर्दर प्रोटेक्शन टू बैंक अब देखिए बैंक का सीधा है

आपस में मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था बैंक उसके रिलेटेड कोई भी चीज नहीं देखेगा बैंक सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि जो चीजें यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट में स्टेटेड है क्या उनके हिसाब से वो प्रूफ हमारे पास जमा हुए हैं या नहीं हुए बैंक को कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है बैंक को कोई लेना देना नहीं है बैंक को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या जो प्रूफ हमारे पास जमा हुए हैं उसके हिसाब से ये चीज सही कही गई है या फिर नहीं कही गई है तो बैंक अगर कोई भी लॉस होता है डिले की वजह से ट्रांसमिशन के लॉस की वजह से डॉक्यूमेंटेशन की वजह से टेलीकम्युनिकेशन के लॉस की वजह से उसके केस में बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है एंड फर्दर अगर डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के केस में अगर ट्रांसलेशन में या इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत रही है उसमें भी बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है एंड फर्दर अगर यहां पर

And जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर बेसिक रिकॉयरमेंट है क्योंकि बैंक जो है वो डॉमेंट के साथ डील कर रहे हैं डेट इज नॉट डीलिंग विद द डेट इज नॉट डीलिंग विद ग गुड ओवर ठीक है एंड फर्दर डॉक्यूमेंट्स का यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है इंटरनेशनल ट्रेड में डॉक्यूमेंट्स का यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड केस में तो डॉक्यूमेंट्स का खास कर रखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट जो है उनका पर्टिकुलर प्लेस ऑफ एक्जीक्यूशन क्या है एंड फर्दर कौन सी डेट को एक्सिक्यूट किया गया इन चीजों का पर्टिकुलरली ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है एंड फॉर द डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से थ्रू करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो यूसीपी के यानी कि यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट क्रेडिट जो है उसके जो रूल्स है सिक्स हंड्रेड रूल है और सिक्स हंड्रेड वर्जन है उसका उसके हिसाब से उसके आर्टिकल्स के हिसाब से क्या सभी कंडीशन जो है वो यहाँ पर सही बैटरी है क्या उन कंडीशन को यहाँ पर प्रॉपर्ली मैंशन किया गया या नहीं किया उसके साथ आपकी है या नहीं है उन सभी चीजों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ओके okay, अब डिफ्रेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्चेंज केस में मेरे पास यहाँ पर मैं आपको बताया कि एक पार्टी जैसे कि बेनिफिशरी जो है

पर्टिकुलरली जितना सामान लिया जाना है क्या यहां पर उसकी कॉस्टिंग रहने वाली है क्या उसकी टोटल वैल्यू रहने वाली है उसके कितने यूनिट्स रहने वाले हैं उन सभी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एंड फर्दर ये सैलरी या बेनिफिश की तरफ प्रोवाइड की जाती है लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ इसको अटैच किया जाता है एंड फर्दर स्पेसिफाई किया जाएगा कि पर्टिकुलरली ये अपीकेट के नेम पर है ऑपरेटर के नाम पर है या नहीं है वो चीज हो सकती है कि अलग पर्सन भी हो अगर एक्सप्रेसिवली उसमें एक्सप्लेन किया गया लेटर ऑफ क्रेडिट में एक्सप्लेन किया गया एंड फर्दर जो भी डिस्क्रिप्शन होगी यहाँ पर गुड्स की वो यहाँ पर

वो यहां पर एलसी की वैल्यू से ज्यादा नहीं होने चाहिए इस चीज का ध्यान रखना है जो इनवॉइस का अमाउंट है वो एलसी की वैल्यू से ज्यादा नहीं चाहिए अगर एलसी आपकी दो करोड़ की ओपन हुई है तो ऐसा नहीं है कि जो इनवॉइस आपकी वो ढाई करोड़ की तीन करोड़ के जाए। ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है वो चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि अगर यहां पर इनवॉइस जो है वो यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट में जो अमाउंट परमिटेड है उससे अलग अमाउंट के साथ स्टेटेड है एंड फर्दर वो लेटर ऑफ क्रेडिट की स्पेसिफाइड जो कंडीशन उनको प्रोहिबिट नहीं कर रही है

फिर पड़ ये खुद शिप करेगा अब शिप करने के लिए उनके बीच में एक हुआ कि हमने ये सामान आपकी शिप के ऊपर डाला है एंड इतनी क्वांटिटी है एंड इस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाना है ओके तो उसे में कहता है बिल ऑफ तो वो डॉक्यूमेंट क्या होता है वो बिल ऑफ लीडिंग होता है अगर आप सी वे के थ्रू यानी कि समुंद्र के रास्ते से भेज रहे हैं ओके एंड बिल ऑफ लीडिंग जो होता है वो यहाँ पर दो सेट इशू भेजा है एक होता है नॉन नेगोशियबल सेट नॉन नेगोशियबल सेट को देने का आगे कोई फायदा नहीं है वो सिर्फ कॉपी है एंड नेगोशियबल सेट होता है जो यहां पर पर्टिकुलरली आगे जिस पर्सन के पास जाएगा वो यहां पर सामान को कैरी कर सकता है ओके एंड लेटर ऑफ क्रेडिट के जितने भी नेगोशियेबल बिल ऑफ लेडिंग की कॉपीज होंगी उन सभी को आगे भेजना पड़ता है दैट इज अ थिंग रिलेटेड टू ऐसा नहीं है कि आप एक नेगोशियेबल कॉपी अपने पास रख ले अगर मल्टीपल नेगोशियबल को यहां पर दिया गया ओके एंड फर्दर रिलेटेड टू टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं पहला होता है ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग का मतलब होता है कि जो गुड्स हैं उनको ऑन बोर्ड कर लिया गया उनको ऑनबोर्ड कर लिया गया यानी कि गुड्स को शिप के ऊपर चढ़ा दिया ऑनबोर्ड का मतलब होता है कि उनको शिप के ऊपर चढ़ा दिया गया ओके okay? एंड इस तरह की जो नेगोशिएशन आपको होता है ये के सेफ माना जाता है है देन इज अ क्लीन क्लीन बिल बिल ऑफ ऑफ होता कि जब सामान जो चढ़ाया गया वो सामान डिफेक्टिव था नहीं था उसके बारे में कोई लेना नहीं है उसके बारे में कोई अलग से क्लोज यहां पर इस बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर मैं नहीं की जाती है तो ये बेस्ट रहता है नेगोशिएशन के के लिए के लिए नेगोशिएशन ये जो बिल ऑफ लीडिंग है वो बेस्ट रहता है देन इट इज अ क्लोज बिल ऑफ लीडिंग

पोर्ट पोर्ट के के थ्रू पास आएगा जैसे मान लीजिए दिल्ली में सामान भेजना था तो यहाँ पर इंडिया में मुंबई पर मुंबई में पोर्ट पर सामान आया एंड मुंबई से वो यहां पर डेही में सामान गया एंड डेली में यहाँ पर लोकल एड्रेस के ऊपर सामान गया तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता था पूरा का पूरा जो वॉयस था वो यहाँ पर कवर हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं दिस इज अ थ्रू बिल ऑफ लीडिंग दिस इज अ थ्रू बिल ऑफ लीडिंग ओके देन इट इज अ चार्टेड पार्टी बिल ऑफ लीडिंग चार्टेड पार्टी बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है वट इज अ चार्टेड पार्टी यानी कि मान लीजिए जब आपके पास मान लीजिए जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसकी पूरी की पूरी शिपनी है उसकी पूरी की पूरी स्टिक नहीं, शिप नहीं है उसने यहां पर शिप के ऊपर एक स्पेस को हायर कर रखा है उसने शिप के ऊपर एक स्पेस को हायर करके तो इस लॉजिस्टिक कंपनी को हम क्या कहते हैं चार्टेड पार्टी कहते हैं दिस इज टू बी पार्टी एंड आपने जो अग्रीमेंट किया बिल ऑफ लीडिंग का वो चार्टेड पार्टी के साथ किया वो अपने कैप्टन के साथ डायरेक्ट नहीं किया ठीक है सो दैट इज व्हाट दैट इज अ अचार्ट पार्टी बिल ऑफ लीडिंग ओके देन इट इज अ स्ट्रेट बिल ऑफ लीडिंग

उस समान को यहां पर इंश्योर करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा ओके, एंड ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी वो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पर्सन है ठीक है, या फिर एजेंट है, वो यहां पर डेट ऑफ शिपमेंट वो पहले या पहले की हो सकती है एंड फर्दर इवन अगर बाद में भी इंश्योरेंस इश्यू की गई है तो पर्टिकुलरली कि डेट उसकी पॉलिसी की कब से होने वाली है And जो करेंसी रहेगी यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी को इश्यू करने की लेटर ऑफ क्रेडिट की जो करेंसी रहेगी वही रहनी चाहिए होगी लेटर ऑफ क्रेडिट में लेटर ऑफ क्रेडिट में जो करेंसी मैं यूरोपेसिफिकली इंश्योरेंस रहेगी वो यूएसडी में रहेगी रहे तो उसके यूएसडी में इंश्योरेंस तो हो सकती है अरवाइज इन जनरल जो रहेगी सेम जो लेटर ऑफ क्रेडिट की करेंसी है उसी में यहां पर उसे यहां पर रखना पड़ेगा एंड फर्दर अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है उसके केस में यहां पर वैल्यू वैल्यू यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट का 110 की कम से कम इंश्योरेंस जो है वो यहां पर करवानी पड़ेगी 110% इंश्योरेंस जो है वो यहां पर करवानी पड़ेगी इज इट क्लियर एंड फर्दर पॉलिसी में क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि कौन सा वॉयज कौन सा रास्ता कब तक यहां पर कौन से पोर्ट तक यहां पर ये यहां पर कवर करता है ओके दैट इज अ थिंग रिलेटेड And जो, वो blank, जो भी डिस्क्रिप्शन है आपकी यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के यूसीपीडीसी सिक्स हंड्रेड के बारे में बात करने वाले यूसीपीडीसी जो है डेट इज पटिकुलरली प्रिपेयर बाय द इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहां पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं एंड दीज आर इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द

सेकंड आर्टिकल कहता है डेफिनेशन से रिलेटेड कि एडवाइजिंग बैंक कौन होगा एप्लीकेंट कौन होगा बैंकिंग डे का क्या मतलब है बेनिफिशियरी का मतलब मतलब क्या होता है कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है जैसे कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन पटी क्या होता है बेनिफिशियरी के पास यहां पर सामान भेजा बेनिफिशियरी ने यहां पर देखा कि सब कुछ बिल्कुल सही है एंड फॉर दिश्री ने गुड्स को शिप कर दिया मैंने आपको बताया था कि बेनिफिशियरी को फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ट्वेंटी वन डेज के अंदर अंदर और बिफोर दी एक्सपायरी और ऑन और बिफोर दी एक्सपायरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट इन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना पड़ता है

इंटरप्रिटेशन इसी तरह से अगर वर्ड्स टू अंटिल टिल फ्रॉम बिटवीन का इस्तेमाल किया गया तो पहले वाली डेट एंड बाद वाली डेट दोनों बीच में शामिल रहेंगे

तो उसके केस में यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उनको पहले किसको भेजना पड़ेगा बेनिफिशरी से अप्रूवल लेना पड़ेगा सेटिस्फाई खुद को करना पड़ेगा उसके बाद ही हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं देन फर्दर फर्दर इट्स इट्स रिलेटेड रिलेटेड टू टू द द स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल 14 देखिएगा आर्टिकल 14 देखिएगा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था कि इशूइंग बैंक दोनों को यहां पर फाइव बैंकिंग डेज का मिलता है उसको यहां पर ट्वेंटी मिलता है ट्वेंटी मिलता, मिलता है कि उसने लेटर ऑफ क्रेडिट उसने लेटर ऑफ क्रेडिट को यहां पर डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना होता है

उस दिन यहां पर बैंक हॉलीडे है उसके केस में यहां पर नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा तब वो एक्सपायरी डे बन जाएगा कि अगर यहां पर अमाउंट को लेकर यहां पर कहा गया कि अबाउट और अप्रोक्सिमेशन वर्ड का यूज किया गया उसके केस में प्लस माइनस टेन परसेंट प्लस माइनस टेन परसेंट का टॉलरेट टॉलरेंस जो है वो अलाउड होगा होना चाहिए यानी कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट का अमाउंट कहा गया प्लस माइनस फोर्टी लैख यहां पर अप्रोक्सीमेट फोर्टी लैक प्लस माइनस फोर्टी लैख अगर ये कहा गया अप्रोक्सीमेट फोर्टी लैक कहा गया उसके केस में लेटर ऑफ क्रेडिट का जो इन्वॉइस का अमाउंट हो सकता है वो प्लस माइनस टेन परसेंट के साथ हो सकता है यानी कि उसकी विंडो जो है थर्टी सिक्स लैख से होकर के फोर्टी फोर लैख तक हो सकती है ओके दैट इज अ केस रिलेटेडेड एंड अगर हम यहां पर नंबर की बात करें यानी कि क्वांटिटी की बात करें तो उसके केस में अगर अप्रोक्सीमेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है उसके केस में अगर अप्रोक्सीमेट या फिर अबाउट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है उसके केस में यहां पर प्लस माइनस फाइव परसेंट का टॉलरेंस रहेगा यानी कि अगर फाइव हंड्रेड यूनिट्स भेजने थे एंड वहां पर लेकर फाइव हंड्रेड यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली तो यहां पर फाइव हंड्रेड प्लस माइनस फाइव परसेंट रहेगा मेरे पास रेंज मेरे पास क्या बन जाएगी ट्वेंटी फाइव माइनस कर देंगे इज इज टू टू ये मेरे पास यहां पर रेंज बन जाएगी कितने यूनिट्स यहां पर हो सकते हैं उसके केस में उसको कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन ही माना जाएगा सिंपल सी चीज समझ लीजिए अगर यहाँ पर प्रेजेंटेशन की गई है अगर यहाँ पर बेनिफिशरी है एंड फर्दर यहां पर इसने जो यहाँ पर आ, बिल ऑफ रेडिंग है ना इसके पास दो डॉक्यूमेंट है यानी कि एक शिपमेंट करवाई ग्यारह तारीख को एक शिपमेंट कराई इसने बीस तारीख को एंड ये की जो शिपमेंट हुई ना जो शिपमेंट हुई यहाँ पर ये सेम शिप के थ्रू ही समान जाना है. सेम शिप के थ्रू समान जा रहा है यानी कि एक शिप ये तो ना एक दिन में चल पड़ेगी ये डेली शिप तो ना चलती है जैसे महीने बाद शिप चलनी है ओके okay? तो यहाँ पर एक इसने को shipment, यहां पर बिल ऑफ रीडिंग वन मिल गया बिल ऑफ लेडिंग टू मिल गया ओके okay? तो यहाँ पर इसको हम सिंगल शिपमेंट ही मानेंगे वी विल बी कंसिडरिंग इट टू बी सिंगल शिपमेंट ओवर दियर क्योंकि यहाँ पर जो कम्यूट है वो तो सेम है यानी कि सेम रस्ते थ्रू जा रहा है ना कई बार कहता है लेटर में स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि पार्शियल शिपमेंट अलाउड नहीं है लेकिन अगर वो सामान जो है सेम शिपमेंट के थ्रू जा रहा है तो वहां पर उसे हम यहां पर पार्शल शिपमेंट नहीं मानेंगे उसे यहां पर पार्शल शिपमेंट जो है वो यहां पर, okay? पर बैंकिंग आवर्स में नहीं की जाती है लेट्स को प्रेजेंट करने के लिए पहुंच गया सात बजे एक्सपायरी भी उसी दिन है एंड सात बजे पहुंच गया तो ऐसा नहीं है कि बैंक की कोई भी लाइबिलिटी रहेगी बैंक की कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी बैंक की कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी दें इट रिलटेड टू डिस्क्लेमर ऑन इफेक्टिवनेस डॉक्यूमेंट ऑफ बैंक की कोई भी लाइबिलिटी है अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है एक्यूरेट नहीं है नहीं है फाल्सिफिकेशन है या फिर लीगल इफेक्ट बनता है का, बैंक की वहां पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है चाहे वो वेट क्वांटिटी कलर कंडीशन पैकेजिंग डिलीवरी को लेकर के हो चाहे वो जो भी बैंक इन बिटवीन इन्वॉल्व है उनको लेकर के हो चाहे वो किसी तरह की बीच में ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई चीज की दिक्कत आई है उसके रिलेटेड कोई दिक्कत हो बैंक की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी डेट इज इफेक्टिवनेस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड डिस्कलेमर है ओके एंड ऐसे ही अगर ट्रांसमिशन एंड ट्रांसलेशन को लेकर है तो भी यहाँ पर बैंक की कोई जिम्मेदारी है अगर किसी तरह का रॉइट हो जाता है या फिर किसी तरह का यहाँ पर एक्ट ऑफ गोड दिक्कत आ जाती है यानी कि मान लीजिए भूकंप आ गया या फिर और कोई दिक्कत आ गई उसके केस में अगर बैंक क्लोज रहता है एंड लेटर ऑफ क्रेडिट आपकी यहाँ पर प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाते हैं तो भी बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है दैट इज कवर्ड अंडर फोर्स मेजोर ओपर दिया बैंक जो है डिस्कलेमर फॉर द एक्स ऑफ इंस्ट्रक्टेड पार्टी जैसे मान लीजिए बैंक ने यहाँ पर रिमबर्सिंग बैंक को अलॉट किया कि रिमबर्समेंट आप हो गए लेकिन अगर री इंबर्समेंट बैंक ने अपनी डॉक्यूमेंट सही नहीं किया है या एडवाइजरी बैंक है या कन्फर्मिंग बैंक ने प्रॉपर नहीं किया है प्रॉपर काम नहीं किया तो उसके केस में भी एशियन बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी फर्दर इट्स ट्रांसफरबल क्रेडिट होवर दिया तो यहाँ पर ट्रांसफरबल क्रेडिट की बात की है असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड अब यहां पर असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड पर्टिकुलर क्या

एंड फर्दर यहाँ पर ये बैंक बैंक टू जो reimbursement है उसके ऊपर ये लागू रहेंगे एंड फर्दर यहाँ पर री बैंक के पास तीन दिन का टाइम पीरियड रहता है जब ये अमाउंट ड्यू होता है ना उसके बाद बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड उसका है इंबर्समेंट बैंक के पास री करने के लिए तो इस चीज का भी यहाँ पर खास करके ध्यान रखा जाना चाहिए ओके एंड फर्दर अगर री का क्लेम जो है वो आफ्टर वर्किंग आवर्स आपके पास आया है तो वहां पर उसे ये माना जाएगा कि री का क्लेम जो है नेक्स्ट डे रिसीव किया गया ओके okay? शनल कमर्शियल टर्म्स इनको इंटरनेशनल इनको बात करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स को स्पेसिफाई करने के लिए इंको टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ग्यारह इंको टर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले बात है एक्सवर्क एक्सवर्क का मतलब है की सैलर जो है ना यहाँ पर जो यहाँ पर बेनिफिशरी है जहां पर उसका सामान बन रहा है वो वहीं पर सामान को ड्रॉप कर देगा आगे Ben, यहां पर आगे इंपोर्टर का खर्चा शुरू हो जाएगा इम्पोर्टर का बंदा आएगा वही यहां पर सामान को उठाएगा मतलब उसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो यहां पर बायर की इट इज फ्री ऑन बोर्ड फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि यहां पर वो सामान को चढ़ा देगा एक बार यानी कि जो सेलर है वो यहां पर गुड्स को यहां पर शिप के ऊपर चढ़ा देगा पोर्ट साइड के ऊपर ठीक है गुड्स को शिप के ऊपर चढ़ा देगा

शिप के ऊपर भी सामान चढ़ाना सिर्फ शिप के पास जाकर के सैलर अपना सामान छोड़ देगा उसके बाद आगे की जारे से, सारी की जिम्मेदारी की okay? पहुंचाएगा।, पहुंचाएगा वहां तक लेकर के जानेगा ठीक है एंड फर्दर जो गुड्स तक पोर्ट को लेकर आने का खर्चा है गुड्स को पोर्ट तक लेकर आने का खर्चा है वो यहां पर किसका होगा वो सेलर का होगा वो यहाँ पर किसका होगा सेलर का होगा एंड सी एफ केस में क्या जो भी यहां पर सेलर है वो यहाँ पर गुड्स को शिप तक ले जाएगा एंड नेम्ड पोर्ट तक लेकर जाने का जो भी खर्चा है इंश्योरेंस का, का खर्चा है वो सारा सारा यहां पर, पर गुड्स को किसी डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर ले जाएगा एंड वहां तक का जो खर्चा होगा वो सेलर करेगा कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू के पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड प्लेस तक पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस का खर्चा, खर्चा सामान सारा सारा मतलब कि को पहुंचाया भी जाएगा एंड वहां से वापस उतारने का खर्चा यानी कि पोर्ट के ऊपर उतारने का खर्चा वो किसका रहेगा वो भी यहां पर सेलर रहेगा ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा रूल है जिसके केस में जो सेलर है वो गुड्स को अनलोड करता है कंप्लीट अपनी डिलीवरी को करने के लिए एंड फर्दर आगे जो यहां पर क्लियरेंस के लिए टैक्सेस पे करने हैं या और ड्यूटीज पे करनी है वो उसकी जम, किसकी जिम्मेदारी रहेगी वो बायर की जिम्मेदारी रहेगी देन इट इज डीडीपी डीडीपी का मतलब है यानी कि सामान को पहुंचाने की सामान को वहां पर पहुंचा करके एंड फर्दर जो भी ड्यूटीज पे करनी है वो भी जिम्मेदारी किसकी रहेगी वो भी सेलर की रहेगी डेट इज अ डीडीपी डी पी ओवर दिया पहले तेरह इनको टर्म्स टर्मस ही, लेकिन कुछ एक इनको टर्म्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया डी एफ डीडीयू डीईक्यू डी रिमूव कर दिया गया एंड डीपीयू एंड डीएडी को एड कर दिया गया ओके तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है डेट इज रिलेटेड टू डी डी

तो हो सकता है कि इंपोर्टर ने लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर लिया एंड लेटर ऑफ क्रेडिट का सारा का सारा तामझाम भी हो गया लेकिन एक्चुअल में कोई इंपोर्ट हुआ ही नहीं तो यहां पर इस चीज को यकीनी बना लिए कहा गया कि बिल ऑफ एंट्री जो कि डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर इंपोर्टर को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे यानी कि एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी जो है बिल ऑफ एंट्री की वो प्रिस्क्राइब पीरियड में यहां पर डिपॉजिट करवानी पड़ेगी ऑथोराइज डीलर्स को ये कहा गया है कि यहां पर अगर इंपोर्टर जो है वो छह महीने के अंदर अंदर ऑथराइज डीलर के पास यहां पर बिल ऑफ एंट्री को जमा नहीं करवाता है तो उसके बाद उसको तीन महीने का और टाइम दिया जाएगा अगर अगले तीन महीने में भी यहां पर वो यहां पर एंट्री नहीं करवाता है तो उसके केस में यहां पर जो ऑथोराइज डीलर है वो बीईएफ स्टेटमेंट जो कि आरबीआई के पास सबमिट की जाती है बिल ऑफ एंट्री जो यहां पर स्टेटमेंट है जो आरबीआई के पास सबमिट की जाती है हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर जो कि यहां पर पर्टिकुलरली सबमिट की जाती है ऑन द एंड ऑफ ऑन द क्लोज ऑफ हाफ ईयर विदिन फिफ्टी डेज उसमें यहां पर रिपोर्टिंग कर देगा कि इसके रिलेटेड यहां पर बिल ऑफ एंट्री जो है वो यहां पर सबमिट नहीं हुई है ओके देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू द स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये बेसिकली गारंटी का सब्सिट्यूट है अब यूएसए में गारंटी तो है नहीं है तो वहां पर स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट का जो इस्तेमाल है वो यहां पर किया जाता है ओके सो दैट वुड बी रिलेटेड टू ऑल दिस एंड फर्दर जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट्स हैं उनको हम यहां पर केस स्टडीज को कल की डेट में कवर करेंगे तो पांच छह यहां पर केस स्टडीज जो है लेट ऑफ क्रेडिट्स रिलेटेड उनको कवर करने वाले हैं